हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों आज ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों यदि आपका हवाई मोबाइल है और अचानक आपका टच काम करना बंद कर दिया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, आप लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। दोस्तों यदि अचानक आपका चलते चलते टच हैंग हो गया है, टच आपका काम नहीं कर रहा है और आपका टच ख़राब नहीं है तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपका स्विच ऑफ भी नहीं होता, पावर ऑफ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो यहाँ पर नीचे लिख के आता है कि यदि आप पावर बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करोगे तो आपका फ़ोन जो है रिबूट हो जाएगा। दोस्तों तो आपको क्या करना है, तो बस यही सिंपल सा ट्रिक जो है यूज़ करना है दोस्तों, कि आपका यदि टच हैंग हो गया है तो आपको पावर बटन को लगभग 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। दोस्तों तो यहाँ पे चलिए पावर बटन को हम प्रेस करके 10 सेकंड तक रखेंगे, उसके बाद हमारा फ़ोन जो है रीस्टार्ट होगा। दोस्तों कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि हम अपना फ़ोन चलाते हैं तो चलाते चलाते हमारा फ़ोन जो है हैंग हो जाता है, टच काम करना बंद कर देता है। ऐसे में ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको जो है पावर बटन 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपका फ़ोन जो है रिबूट होगा, रीस्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है पावर बटन को थोड़ा टाइम तक प्रेस किया तो ये हमारा फ़ोन जो है रीस्टार्ट हो गया है, रिबूट हो गया है। अब रिबूट होने के बाद हम जो है अपना फ़ोन चेक करेंगे, देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो है टच काम करता है या नहीं काम करता। दोस्तों तो यदि आपका फ़ोन मतलब चलाते चलाते अचानक आपका टच रुक गया है, या मतलब फ़ोन रखे हुए हैं फिर भी आपका टच काम करना बंद कर दिया, अचानक यदि आपका मतलब टच काम करना बंद कर दिया है तो आप इस ट्रिक को एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़े टाइम में ये हमारा फ़ोन मतलब ऑन हो गया, ऑन होने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा टच जो है काम करता है या नहीं काम करता है। तो चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा जो है टच काम करने लगा। दोस्तों तो यदि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया तो एक बार आप अपने फ़ोन को रिबूट कीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अब टच हमारा जो है सब कुछ काम करने लगा। दोस्तों तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।